हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले मतलब आने वाले कुछ दिनों में, कमिंग वीक में, आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, तो मैं डेक को एज यूजुअल शफल करूंगी, तब आप सब लोगों को आपके पार्टनर को याद कर लेना है, उनके नाम का चैंटिंग कर लेनी है या उनकी फोटो देख लेनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप सब लोग इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोग पर्सनल ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ। एंजल्स प्लीज हमें गाइड कीजिए इस रीडिंग में अकॉर्डिंग टू हमारी एनर्जी के हिसाब से। प्लीज हमें गाइडेंस दीजिए, मैसेज दीजिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है द टॉवर। ओके, सेकेंड कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई कैन सी डार्कनेस, प्योर डार्कनेस आपके पार्टनर के मन में जो है। उसके बाद आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद आया है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ओवरऑल गाइज देर इज आई कैन सी क्लियरली इशू विद योर पार्टनर्स फीलिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आई कैन से 70% निगेटिव है अभी के लिए। और उसका रीज़न आई गेस कुछ, मतलब आप नहीं है उसका रीज़न, उसका रीजन्स कोई और है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, टॉवर आया है, उसके बाद आया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद ये भी कार्ड है हमारे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो दीज कार्ड्स आर शोइंग मी डार्कनेस के मतलब there is a something which is troubling a lot to your partner। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशानी है। आई नो आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, मतलब सब कुछ अच्छा है, जैसे आपकी तरफ से प्यार बहुत अच्छा है, बट however आपके पार्टनर का ध्यान उस तरफ है नहीं, आपके पार्टनर का ध्यान किसी और तरफ है। देर आर चांसेस कि उनके काम में कोई परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही है, या उनके लाइफ के किसी एस्पेक्ट में परेशानी है जो उनका पूरा का पूरा ध्यान खींच ले रही है, उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में झगड़े आने वाले समय में दिख रहे हैं। आपको अगर ऐसा समय है, आपका अभी चल रहा है या आने वाले समय में अगर ऐसा है, तो प्लीज आपके पार्टनर के साथ आप बैठिए, कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए कि क्या इशू है, रिजॉल्व कीजिए। आपके पार्टनर इतने आसानी से वो इशू जो है आपको बताएंगे नहीं। देर आर हाई चांसेस कि वो छुपा के रखें, खुद तक ही बात सीमित रखें, बट प्लीज आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाइए एंड चेक कीजिए कि परेशानी क्या है। मैं अगेन बता रही हूँ, परेशानी आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं है। There is a something जो उनके काम की वजह से हो रहा है, उनके family matters की वजह से हो रहा है, या कुछ और issue है जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। There are a full chances कि इसी वजह से वो आपके प्यार को ignore कर रहे हैं या आपको ज़्यादा time नहीं दे पा रहे हैं। भले ही उनकी ज़िंदगी रंगीन हो, वो उन रंगों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे और कि कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई विषय है जो उनको खाए जा रहा है। That is the major problem। ठीक है, तो अभी आई विल शफल वन मोर डेक चेक करने के लिए कि क्या कहता है उनका और मन, उनकी फीलिंग्स कहाँ पे घूम रही है। सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, या उनकी फीलिंग्स उनको कहाँ तक ले जा रही है। ओके, अगेन आया है हर्मिट, कुछ कवर्स लाइक मतलब लोनलीनेस, वो खुद ही में खोए हुए हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो उनको बॉदर कर रही है, उनको समझ में नहीं आ रही, उनको आगे जाने में परेशानी हो रही है और उनको किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी पर्सन के सहारे की ज़रूरत है। आपके पर्सन जो है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब वो किसी ना किसी चीज़ को लेके इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में है कि आगे क्या चल रहा है, कहाँ जाना है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको नहीं समझ रहा कि वो चीज़ से आगे कैसे बढ़ूँ, मैं किस दिशा में जाऊँ कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ये जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई मुझे हो जाए। मतलब आई कैन सी वन मोर थिंग कि भले ही वो आपके साथ है बट अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, परेशान है उनके मन में, मतलब उनको समझ ही नहीं रहा कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। उनका मन दुविधा परिस्थिति में अटका है और इसी वजह से
उनको ये सारी परेशानियां हो रही है. दिस इज आवर लास्ट कार्ड एंड जो हमको स्ट्रांग यहाँ पे मैसेज आ रहा है रिलीज फिनिक्स. जब तक मतलब वो अपने मन का जो मन मुटाव है जो परेशानी है उसको रिलीज नहीं करेंगे, जैसे फिनिक्स एशेस में से क्रिएट होता है, जलना पड़ता है उसके बाद उसका रिबर्थ होता है, उसी वजह से आपके पार्टनर अभी जल रहे हैं. उनको समझना पड़ेगा जब सारा मतलब अपने मन से जो ज्वाला है जो लावा है नफरत का या फिर मतलब टेंशन का वो बाहर निकालेंगे तो उनका मन शांत होगा. और ये सारी चीज़ें उनका जो नेचर है आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा. उनको समझ में नहीं आएगा बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपके पार्टनर के साथ क्लियरली बात कीजिए और चेक करिए कि कौन सी ऐसी परेशानी है जो उनको खाए जा रही है जिसका आपके रिलेशनशिप के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग. आई होप आप सब लोगों को ये इम्पॉर्टेंट रीडिंग समझ में आई होगी. अगर आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा है या आने वाले समय में आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई देता है तो प्लीज़ याद रखिए इसका सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन. ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे पक्का बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी. और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग. बाय गाइज़.